हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ISO 2 USB सॉफ्टवेयर के थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की इजीली मेथड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और वह भी स्टेप बाय स्टेप। और फर्स्ट तो मैं यहाँ पे गेमएक्स जोन का थैंक्स बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में विंडोज 7 बूटेबल USB कैसे बनाना है इस पर एक वीडियो बनाया था। सो उस वीडियो पे उन्होंने कॉमेंट किया था कि भाई इसमें एरर आ रहा है, और उन्होंने सेकेंड भी मैसेज किया कि भाई ISO 2 USB सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली हो जाएगा, सो प्लीज उसका भी वीडियो डाल दो ताकि पब्लिक को काम आएगा और वह सबसे बेस्ट तरीका होगा और इजीली भी होगा। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, और दोबारा से मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये वीडियो आज मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक्स भाई। सो ऐसे ही गेमएक्स जोन की तरह मुझे कॉमेंट कीजिए कि मुझे इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा। सो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे विजिट होना है। इस पे विजिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का आइकॉन दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप विंडोज की जो भी आपको फाइल चाहे, जैसे कि विंडोज 7 ISO फाइल चाहे, विंडोज 8.1, विंडोज 10, जो भी आपको विंडोज के ISO फाइल चाहिए, सो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे सभी आपको ISO फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि उसे कैसे डाउनलोड करना है। सो उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, सो आप उसे वॉच कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे विजिट हो सकते हैं। इस पर विजिट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। सो इस पे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्टिंग डाउनलोड हो जाएगा, और एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगी कि आपको इस फोल्डर को यहाँ पे सेव करना है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, सो आप इसे डाउनलोड के फोल्डर में इसे सेव कर सकते हैं। सो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, सो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैंने जो फाइल्स डाउनलोड की है, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे ISO फाइल विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैंने 32/64 bit की बोथ ISO फाइल डाउनलोड किए है सो फर्स्ट आपको क्या करना है ISO 2 USB सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पाथ को डिफॉल्ट रहने देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर यहाँ पे इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे फाइनली ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैं फिनिश करूंगा। सो फिनिश जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ISO फाइल को यहाँ पे ब्राउज करना है। जैसे कि विंडोज 10 की ISO फाइल है, सो मैं यहाँ पे इसे ब्राउज कर देता हूँ। ब्राउज करने के लिए यहाँ पे आपको आइकन ब्राउज का दिख जाएगा, सो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे आके इस फाइल को सिलेक्ट करना है। आपके जो भी पाथ हो आप उसको पाथ देके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे USD ड्राइव सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आपकी जो पेन ड्राइव है आपको अपने PC से कनेक्ट करना है। PC से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे F लेटर में मेरी पेन ड्राइव है 28.65 GB की, सो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल सिस्टम को डिफॉल्ट रहने देना है। देन आपको वॉल्यूम लेवल को चेंज करना है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बूटेबल बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे विंडोज 10 विंडोज 10 का रिनेम देने वाला हूँ। सो आपकी जो भी विंडोज है, आप जैसे कि विंडोज 7 आपने ISO फाइल डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेवल विंडोज 7 देना है, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी पेन ड्राइव है और उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बर्न पे क्लिक करना है। बर्न पे क्लिक करने के बाद आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा, जो आपकी USB डिस्क है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी F ड्राइव लेटर में है, और 28.60
5 GB की है और ये कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद ये जो आपकी पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली फॉर्मेटेड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, सो यहाँ पे क्रिएटिंग अ बुटेबल यूएसबी डिस्क का मैसेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये कम्प्लीटली ग्रीन हो जाने के बाद जो आपकी पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली बुटेबल हो जाएगी, या आप उसे बर्न भी कह सकते हैं। जो ISO फाइल है वो कम्प्लीटली आपके पेन ड्राइव में बर्न हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और उसके लिए आपको 5 to 10 minutes यहाँ पे वेट करना है। सो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे पेन ड्राइव जो है कम्प्लीटली बूटेबल हो चुकी है और यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं कि जो ISO फाइल है वो USB डिस्क में सक्सेसफुली बर्न हो चुकी है। सो यहाँ पे आप ओके कर सकते हो और इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। इसे क्लोज करने के बाद में यहाँ पे जो ISO फाइल है वो कम्प्लीटली यहाँ पे पेन ड्राइव में बर्न हुई या नहीं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल एक्सप्लोर ओपन करना है। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एफ ड्राइव दिख रही होगी। सो यहाँ पे मैंने विंडोज 10 रीनेम भी दिया था, आप देख सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ और ये पेन ड्राइव सक्सेसफुली बूटेबल हो चुकी है और इस पेन ड्राइव की हेल्प से आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को फॉर्मेट करके इसमें विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय।